गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 40 बहादुर बनो पढ़ा रहे हैं। सभी तलबा ध्यान से सुनें और समझें। बुरा काम कोई न हरगिज करो तुम, बुरी बात हरगिज न मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। ख़ता हो गई तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तौलो, कभी गालियों पर मुंह न खोलो, कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। सबक याद करना न समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत करो खूब मेहनत, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। तुम्हें मदरसे से का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, ना मेहनत से डरना ना मेहनत से डरना, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। इस नज़्म को लिखने वाला सूरज नारायण है। सबसे पहले हम नज़्म का मरकज़ी ख़्याल समझें। सूरज नारायण अपनी नज़्म बहादुर बनो में सूरज नारायण ने हमें बहुत सी नसीहतें दी हैं। मसलन, बुरा काम ना करो, बुरी बात मत कहो और हमेशा सच बोलो। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहाने मत बनाओ। उस्ताद के पूछने पर बात सच बताओ। बोलने से पहले खूब सोच लो। पढ़ने लिखने से कतराओ मत, उसके लिए खूब मेहनत करो। मेहनत से इल्म हासिल करो, इसी तरह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इस नज़्म में सदाकत, मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी का काम बताया गया। उसके बाद हम नज़्म का ख़ुलासा बता रहे हैं। अपनी इस नज़्म बहादुर बनो में सूरज नारायण ने हमें बुरे काम न करने की, बुरी बात मुंह से न निकालने की, सच्चाई के रास्ते पर चलने की और अपने अहद पर कायम रहने की हिदायत दी है। उन्होंने हमें बताया है कि अपनी गलतियों को हरगिज मत छुपाओ, उसके लिए झूठे बहाने मत बनाओ, सच से दूर मत भागो। उस्ताद जो कुछ पूछे वो सच सच बता दो और बहादुर बनो। बोलने से पहले खूब सोच समझ लो, अपने मुंह से गालियां न निकालो, हमेशा सच बोलो और सीधे रास्ता पर चलो। इल्म हासिल करना मुसीबत नहीं ऐन राहत है। इल्म हासिल करने के लिए खूब मेहनत करो, क्योंकि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। तुम्हें स्कूल का पूरा होमवर्क करना है और इल्म हासिल करना है। तुम्हें इम्तिहान के दरिया में पूरी तरह से तैयारी करना है, इसीलिए तुम्हें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। फ़कत वस्सलाम।